183 पे स्कोर जाता हुआ, अब आस्किंग रेट भी 6 से नीचे, और इतनी अच्छी गेंद है, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, और एक सेट बैट्समैन को इतना वक्त मिलता है और अच्छा पुल किया, बड़ी बात है कि गैप भेदने में सफल। और जब दिलीप वेंग सरकार आपके कंसल्टेंट हो और आपको बताते हो कि किस तरीके से आपने बॉल का सामना करना है, तो मुझे लगता है अजय कि आपके पास इनपुट्स बहुत होते हैं, बस कसर होती है उनको आजमाने की। और बॉलिंग में जब धार थोड़ी बहुत एब्सेंट नजर आती है, तब एक बैट्समैन का असली कैरेक्टर, उसका एक असली जज्बा, उसका कॉन्फिडेंस फलस्वरूप होता है। बहुत बढ़िया गेंद, ये लाइन अच्छी है, अखिल अभी भी आए हैं, और सचिन जोशी मैन ऑफ द मोमेंट, हीरो कहना होगा, जिस प्रकार की आज पारी खेली है, जबरदस्त कार्य किया है, जो छक्के लगाए हैं, यादगार पारी, और स्टैंडिंग ओवेशन मिली जब अपने डगआउट में वापस आए, पर अब क्या कार्य किया अपनी टीम के लिए, सराहना करनी होगी सचिन जोशी की। इस बार अब देखना होगा बल्ला लगाया नहीं, पर रन मिलता हुआ यहां पे ठेलगू वॉरियर्स को, 16 ओवर की समाप्ति, लेग बाय का इशारा, 185 पे। जी हाँ बिल्कुल, और देखिए उनकी जो बिटिया है उनको थोड़ा डांस सिखाती हुई, मजा ले रहे हैं, फ्री माइंड से खेल रहे हैं, यहाँ पे अखिल मजा लेते हुए बड़ा शॉट खेला है, और ये भी एक जबरदस्त प्रहार, सचिन जोशी मुस्कुराते हुए रन आ रहे हैं, और अब मात्र इस छक्के की वजह से 17 रन चाहिए। हालांकि मुझे एक वक्त लगा विनीत की कनेक्शन इतना बढ़िया नहीं है, पर फिर भी इतनी जान थी शॉट पे, इतनी ताकत थी कि गेंद दर्शक दीर्घ में जाती हुई, और नागा अर्जुन के जो पिता है कितने खुश। अजय हाइट की वजह से मुझे लगता है आप ये सोच बैठे कि शायद ये ठीक से कनेक्ट नहीं हुई है। एक बॉल की लेंथ, उसका डिस्टेंस तो मेजर करते हैं हम, जब भी चौका छक्का पड़ता है, छक्का पड़ता है, उसकी हाइट भी मेजर करने का कोई इंतजाम होना चाहिए, कि मुझे लग रहा था कि अच्छी हाइट पे जाकर ये क्राउड में गिरी और 2 रन लेने में कामयाब। देखिए क्राउड तो बहुत है यहाँ पे, अगर आप देखें दर्शक इतने हैं, पर एक प्रेशर ये भी रहता है जब बेटा अपने फादर के सामने खेल रहा हो, वो भी प्रेशर रहता है। मुझे याद है जब मैं खेलता था, फादर मैच देखते थे, तो प्रेशर रहता है, दिमाग में रहता है। पर कहते ना क्रिकेट में खासकर एक बैट्समैन के लिए जब गेंद आ रही है, खाली आपको गेंद पे कॉन्सेंट्रेट करना है, तो ज्यादा आपको सोचना नहीं है कि कौन बैठा है। और सचिन जोशी देखिए, उनके मुतरमा देखें, अब बहुत रिलैक्स नजर आ रहे हैं, बेहतरीन कार्य किया सचिन जोशी ने। वैलेंटाइन डे भी है आज। जी बिल्कुल, और यहाँ पे उनकी अफेक्शन उनकी, और ये अच्छी शॉट खेलते हुए, और एक और 6, और ये इनिंग्स की समाप्ति होते हुए, और तेलुगु के खेमे में बड़े बड़े स्टार्स अपने साथ वाले स्टार्स की स्टारी परफॉर्मेंस देख के बेहद खुश। अच्छा लग रहा है कि इसी ओवर में मुकाबला खत्म हो जाएगा। यह 3 गेंदे शेष है, स्कोर हो चुका है 199 का, और वेंकटेश देखिए गले लगते हुए सचिन जोशी के, वो जो खेमा है वो बहुत खुश है, पर सुदीप चिंतित है, जानते हैं कि अब बहुत कठिन है, 3 गेंदों में 14 रन आ चुके हैं, ध्रुव शर्मा भी ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे, प्रयास कर रहे हैं, बैटिंग अच्छी की आज उन्होंने, कैच भी पकड़ा, पर गेंद से उम्मीद बहुत है, पर फिलहाल महंगे साबित होते हुए ब्लॉक होल में करने का प्रयास किया, अच्छी फील्डिंग कवर दिशा में, पर इस सिंगल के साथ 200 रन बोर्ड पे, और क्या करारा जवाब दिया आज ढेलकू वॉरियर्स ने, 200 पे, और जो चौथे 50 रन है 25 गेंदों में, तीसरे 50 रन तेज गति से 20 गेंदों में आए हैं, और चौथे 25 गेंदों में। और प्रिंस की तारीफ करनी होगी अजय, 144 के स्ट्राइक रेट से वो खेल रहे हैं, और उन्होंने बिल्कुल भी डेस्परेशन या ही घबराहट, और तापसी जो अभी हमारे कमेंट्री बॉक्स में थी, बहुत ही शार्प जवाब थे उनके, जब वो सिद्धार्थ के साथ बातचीत कर रही थी उनके भी चेहरे पे मुस्कुराहट, वो जानती है कि मुकाबला ऑलमोस्ट खत्म है, और ये आखिरी गेंद है इस ओवर की, और आशा है कि नेक्स्ट ओवर में गेम खत्म हो सकती है, 201 पर एक, 17 ओवर की समाप्ति। उसको खुश कर सकते हैं, प्रयास कर रहे हैं, वाइड का इशारा एम्पायर का, दिशा से भड़कते हुए। देखिए तेलुगु वॉरियर्स विनीत, बड़ी चीज यह है कि डिफेंडिंग चैंपियन है, और आज एक चैंपियन टीम की तरह उतरे हैं, लास्ट ईयर भी खिताब इनके नाम था, कर्नाटका बुलडोजर्स 2 बार खिताब जीत चुके हैं, तो उनको ही पता है जीतना कैसे है, और आज रन बोर्ड पे लगाया, पर मुझे लगता है जहां पे आज वो खरे नहीं उतरे वो है उनकी गेंदबाजी, बहुत भरोसा था कि जो गेंदबाजी है वो उभर के आएगी, गेंदबाज विकेट लेंगे, दबाव डालेंगे,
और फिर से वाइड, तो रन ज्यादा नहीं है और वाइड पे वाइड, तो ये है दबाव, परिस्थिति का दबाव। और अब ऐसा लग रहा है जैसे आप कह रहे थे विनीत की शायद मुकाबला इसी ओवर में समाप्त हो जाए, क्योंकि एक शॉट चाहिए, चार रन चाहिए मैच जीतने के लिए। जी बिल्कुल, और सुदीप की भी मैं तारीफ करना चाहूंगा, हालांकि विकेट उठाने में उनकी टीम इतनी कामयाब नहीं रही, पर उन्होंने अपना धैर्य और अपना कंपोजर फैंस के सामने बिगड़ने नहीं दिया। और मुझे ऐसा लग रहा है अखिल बड़े शॉट ले जा रहे हैं, कहते हैं ना सोने पे सुहागा अगर कप्तान ही विनिंग शॉट लगा दे, और थोड़े फादर उनके नागार्जुन थोड़े चिंतित नजर आ रहे हैं, नर्वस भी हैं। हालांकि मैच जीते हुए हैं, मैच जीतने में कोई संदेह नहीं है, पर ये भी चाहते हैं कि अखिल नॉट आउट वापस आए, खाली एक विकेट ही गिरे तेलुगु वॉरियर्स की, 9 विकेट से मैच जीते, तो वो भी अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, खासकर एक T20 मैच में जब आप 200 से ऊपर का स्कोर चेज कर रहे हैं और 9 विकेट से मैच अगर आप जीतते हैं तो ये दर्शाता है कैसे आपने खेला है। और फिर कनेक्ट करने की कोशिश और वाइड का इशारा, मुझे लगता है कि बैट्समैन को कुछ मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बॉलर्स ही जिता देंगे ये मुकाबला। देखिए पता है कार्तिक क्या सोच रहे हैं, कार्तिक ये सोच रहे हैं कि अखिल ऑन साइड को टारगेट कर रहे हैं, तो लगातार जो लाइन है गेंद की अगर आप देखें ऑस्टम ऑस्टम के बाहर, वो चाहते नहीं कि वो ऑन साइड पे कोई बल्ला घुमाए या वहां पे कनेक्ट हो, तभी ये वाइड आप देख रहे हैं 3 वाइड, एक डॉट बॉल है, अब ये देखना होगा किस लाइन पे गेंदबाजी करते हैं फिर से, पर इस बार सीधे बल्ले से खेला, खिलाड़ी डीप में तैनात तो एक ही रन मिलेगा, तो अभी भी इंतजार करना होगा, पर फिलहाल अब प्रिंस ऑफ स्ट्राइक पे आते हुए इन फॉर्म बल्लेबाज हैं, शुरुआत से ही क्रीज पे उन्होंने अपना टाइम बताया है और अभी तक एक बहुत ही परिपक्व पारी खेली है, अब उनको भी थोड़ा बहुत लूजन अप करना चाहिए और कुछ चौके छक्कों से, हालांकि 2 रन ही चाहिए, कुछ चौके छक्कों से साइन ऑफ करना चाहिए। अजय बहुत डेलिकेट और दौड़ लिए, देखिए ये भी चाहते हैं प्रिंस की कप्तानी फिनिश करे, अभी भी इस ओवर में 3 गेंदे शेष है, स्कोर लेवल हो चुके हैं और मुस्कुराते हुए प्रिंस तो कप्तान को स्ट्राइक दी है वेंकटेश नागार्जुन, अब ये मूवमेंट होगा, ये विनिंग मूवमेंट होगा, और मुझे लग रहा है सारी टीम तैयार है कि अंदर दौड़े, और सचिन जोशी भी देखिए जिन्हें अच्छा कार्य किया है अपनी वाइफ के साथ मोहतरमा के साथ, ये अब देखते हुए, पर इन्होंने सारी नींव सेट की है, प्लेटफॉर्म सारा सचिन जोशी ने रखा है यहाँ पे, बेहतरीन कार्य, स्कोर लेवल, स्कोर्स आर लेवल एंड द मोमेंट ऑफ रेकनिंग इज हियर एंड कमेट द यार कमेट द मैन, सारे जो फील्डर्स हैं सर्कल में वो अंदर आते हुए सिंगल सेविंग पोजीशन में, अब बहुत देर हो चुकी है, बहुत देर हो चुकी है सिंगल सेविंग पोजीशन में, और ये फ्लाइट लेते हुए, और ये तेलुगु वॉरियर्स ने अपना दूसरा खिताब सक्सेसफुली जीत लिया है, बेहतरीन 9 विकेट से जीता है मुकाबला।